दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 7 अगस्त को होने वाले इस मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी और इसके अलावा आपको बताएंगे रोहित शर्मा प्लेइंग 11 में क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भारतीय टीम के अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही है। शुरुआती 2 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं जबकि तीसरा वनडे मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाना है। भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला 7 अगस्त को खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 2:30 पर शुरू होगा। आपको बता दें शुरुआती दोनों ही मुकाबलों की तरह ये मुकाबला भी प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में खेला जाना है। अगर आप इस मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इस मुकाबले को सोनी लिव ऐप के अलावा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव देख सकेंगे। अगर हम पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो पहला वनडे मुकाबला दोनों ही टीमों के बीच टाई पर खत्म हुआ था। इसके बाद दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। दूसरे वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम ने भारतीय टीम को 32 रनों से हरा दिया। दूसरे वनडे मुकाबले की बात करें तो श्रीलंका की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 240 रन बनाए थे। भारतीय टीम को जीतने के लिए 241 रनों का लक्ष्य मिला था। इसके बावजूद भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई। भारतीय टीम 42.2 ओवर में 208 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। एक बार फिर से भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत मिली थी। कप्तान रोहित शर्मा ने लगातार दूसरा अर्धशतक जड़ा। रोहित शर्मा ने मात्र 44 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 4 छक्के और 5 चौके लगाए। दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज सुमन गिल भी काफी अच्छी लय में नजर आए। सुमन गिल ने 44 गेंदों पर 35 रन बनाए। भारतीय टीम को जबरदस्त शुरुआत मिली थी जहां पर भारतीय टीम का पहला विकेट 97 रनों पर गिरा था। हालांकि इसके बाद भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरते गए और कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया। बाद में भारतीय टीम जाकर सिर्फ 208 रन ही बना सकी और टीम ऑल आउट हो गई। श्रीलंका की टीम ने न सिर्फ दूसरा वनडे मुकाबला जीता है बल्कि सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब यहां से अगर भारतीय टीम को सीरीज हार से बचना है तो तीसरा और आखिरी वनडे मुकाबला किसी भी कीमत पर जीतना होगा। आपको बता दें अभी तक विराट कोहली का बल्ला भी खामोश देखने को मिला है। विराट कोहली ने जहां पहले मुकाबले में 24 रनों की पारी खेली थी तो वहीं दूसरे मुकाबले में भी विराट कोहली कुछ खास नहीं कर पाए। दूसरे मुकाबले में विराट कोहली ने मात्र 14 रन बनाए। यहाँ पर तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में हमें कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कप्तान रोहित शर्मा कम से कम 2 बदलाव कर सकते हैं। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने वाले श्रेयस अय्यर का बल्ला खामोश रहा है। अभी तक श्रेयस अय्यर ने कोई भी बड़ी पारी नहीं खेली है। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में श्रेयस अय्यर को बाहर रखा जा सकता है। प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर की जगह ऋषभ पंत की वापसी हो सकती है। ऋषभ पंत ने शुरुआती दोनों ही मुकाबले नहीं खेले हैं। शिवम दुबे की बात करें तो शिवम दुबे ने भले ही T20 मैचों में अच्छा किया हो लेकिन वनडे मैचों में अभी तक उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। शुरुआती दोनों ही मुकाबलों में शिवम दुबे पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में शिवम दुबे की जगह रियान पराग को शामिल किया जा सकता है। रियान पराग को अगर मौका मिलता है तो उनका वनडे क्रिकेट में डेब्यू होगा। रोहित शर्मा इन्हीं 2 बदलावों के साथ तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में मैदान पर उतर सकते हैं। तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले के लिए अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा, सुमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, केएल राहुल, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हरदीप सिंह और मोहम्मद सिराज को मौका मिल सकता है। आपको क्या लगता है तीसरे और आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या होगी? क्या भारतीय टीम श्रीलंका को हरा पाएगी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।